हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप घर बैठे कैसे जियो फाइबर रिचार्ज कर सकते हैं। आप आपका फोन से जियो फाइबर रिचार्ज कर सकते हैं, आपको बाहर जाने का कोई जरूरत नहीं है। तो मेन बात है कि आप घर बैठे कैसे जियो फाइबर आपका फोन से रिचार्ज कर सकते हैं, उसी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं नाम अजीत, आप सभी का सिलूचर में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जियो फाइबर रिचार्ज करने के लिए आप लोगों को एक एप्लीकेशन की जरूरत है, ये माई जियो। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर माई जियो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया। फ्रेंड्स, आप जो अभी तक माई जियो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर से जाइए, माई जियो एप्लीकेशन को पहले डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पर माई जियो ऐप, तो हम कर लेते हैं यहाँ पर इसको ओपन। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर माई जियो एप्लीकेशन को हमने यहाँ पर ओपन कर लिया। तो आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है रिचार्ज फॉर ए फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर आना होगा। तो यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला है मोबाइल और सेकंड है जियो फाइबर। तो आपको यहाँ पर मोबाइल में कुछ नहीं करना होगा, मोबाइल आप यहाँ पर रिचार्ज कर सकते हो। आपको क्या करना होगा, जियो फाइबर रिचार्ज करना होगा। तो आपको इसलिए आपको जियो फाइबर में जाना होगा। तो आपको यहाँ पर नंबर टाइप कर देना होगा, आपका जो जियो फाइबर का नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। तो देने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है प्रोसेस्ड, तो आपको यहाँ पर प्रोसेस में ऑप्शन में करना होगा क्लिक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है। तो प्रोसेस होने के बाद आपके पास और एक पेज आ जाएगा, तो आपका जो प्लान यहाँ पर इस पेज में दिखा देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 100 Mbps, 30 Mbps, 300 Mbps, 500 Mbps, 1 GB पर सेकेंड, यहाँ पर आपका जो प्लान यहाँ पर आएगा आ रहा है। तो आपका हिसाब से यहाँ पर प्लान चूज़ कर लेना। हम यहाँ पर फिलहाल 30 Mbps 30 Mbps इस प्लान को हम रिचार्ज करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं राइट साइड में जो तीन ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर 30 Mbps इसका जो प्राइस वैल्यू कितना है आप देख सकते हो। यहाँ पर हम क्लिक करके हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, तो हम क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 399 प्लस GST। यहाँ पर जो व्यू डिटेल्स करके हम आपको दिखाते हैं। तो व्यू डिटेल्स में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 399 मंथली प्लान है, यहाँ पर प्लान वैरायटी है 30 डेज, यहाँ पर स्पीड देगा आपको 30 Mbps, यहाँ पर 30 Mbps, यहाँ पर अपलोड स्पीड और डाउनलोड स्पीड आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डाटा आपको अनलिमिटेड मिलेगा और आपको वॉइस कॉल मिलेगा यहाँ पर फ्री। तो इसको पाई करने के लिए आपको आना होगा बैक। तो बैक आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बाय ऑप्शन है, आपको यहाँ पर बाय ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक करने के बाद आपके पास और एक पेज आ जाएगा। थोड़ा सा लोडिंग होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर में लिखा है अमाउंट पेबल, तो यहाँ पर लिखा है 470.82 पैसा। तो आपको 399 पहले था, उसके बाद GST ऐड कर 470 रुपीज़ और 82 पैसा हो गए। तो आप यहाँ पर UPI से पे कर सकते हो। यहाँ पर दिया है फोन पे, गूगल पे, यहाँ पर पेटीएम है, अमेजोन पे है और भीम UPI है। आप यहाँ पर अदर्स UPI भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड से भी आप यहाँ पर रिचार्ज कर सकते हो। तो हम फिलहाल यहाँ पर भीम UPI को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो भीम एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो भीम एप्लीकेशन ओपन होने के बाद हमारा जो पासवर्ड पहले टाइप कर देना होगा। आप देख सकते हैं हमारा जो एक पासवर्ड ऑप्शन आ गया, तो हम कर लेते हैं यहाँ पर पासवर्ड को यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। तो टाइप करने के बाद और एक पेज आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर में लिखा है सेंड मनी, यहाँ पर लिखा है सेंडिंग मनी टू reliancejioinfo.com। तो यहाँ पर अमाउंट है 470 रुपीज़ 82 पैसा। तो पहले आप देखे थे जो 399 थे उसके साथ GST ऐड करके 470 रुपीज़ 82 पैसा हो गए। और आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है डेबिट अकाउंट, तो अकाउंट का आपका जो 3 डिजिट लास्ट डिजिट यहाँ पर दिखा रहा है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रिमार्क, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना होगा। आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर जो कॉन्फर्म ऑप्शन, तो आपको यहाँ पर कॉन्फर्म में क्लिक कर देना होगा। तो कॉन्फर्म ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा कुछ आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सेंड में क्लिक कर देना होगा। तो सेंड को क्लिक करने के बाद आपका जो भीम UPI का यहाँ पर पासवर्ड आपको देना होगा। तो देने के बाद थोड़ा सा लोडिंग होगा। यहाँ पर लिखा है प्लीज वेट, तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना है कुछ ही सेकंड। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है मनी सेंड सक्सेसफुली, जो आपका जो पेमेंट यहाँ पर सक्सेस हो गया है। तो सक्सेस होने के बाद, लोडिंग होने के बाद आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है रिचार्ज सक्सेसफुली 470 रुपीज़ 82 पैसे, यहाँ पर रिचार्ज सक्सेसफुल हो गया। फ्रेंड्स, आई होप आप इस वीडियो के माध्यम से समझ चुके आप घर बैठे कैसे जियो फाइबर रिचार्ज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको जो इस वीडियो से थोड़ा सा तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और एक प्यार सा कमेंट कर देना। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे फ्यूचर में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हो। तो फ्रेंड्स, फिलहाल वीडियो में इतना ही, नए वीडियो में जय हिंद, वंदे मातरम।